डिस्कशन पहले करेंगे, देन पीरियड टेबल को स्टार्ट करेंगे। अभी तुम लोग पीरियड टेबल स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ठीक है। बाकी लोग आगे पढ़ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको पेंडिंग में छोड़ देना, इसको भी कर लोगे होमवर्क। जो लोग कर लिए उनका तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पाए हुए भी एक्सरसाइज 2 और 3 भी कर लेने, क्योंकि जब टेस्ट होगा इस पार्ट से भी क्वेश्चन आता है। और मेनली पीओसी वाला पार्ट कर लो, इसमें जो क्वांटिटी एनालिसिस जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो तो कम्प्लीटली फिजिकल का है, फिजिकल का क्वेश्चन है उस टाइप से, उसको भी ट्राई करो तो भी कर सकते हो फिजिकल टाइप का ही हो। बट मेरा फोकस इसमें पीओसी पे है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें इतना भी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जब भी पेपर होगा पीओसी पे। तो ठीक है, अभी तुम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बट तुम्हारा जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे उस पार्ट को। तुम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, इसमें लास्ट टॉपिक क्या था पीरियोडिक टेबल में? प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड ग्रुप्स एंड ब्लॉक्स। वो देख रहे थे प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड्स ब्लॉक एंड ग्रुप्स। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया भी था, आज हम लोग कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जो कि फिर रिलेट कर पाओगे वहां पे। तो फर्स्ट है इसमें फास्फोरस, इसका तुम्हें बताना है कि किस पीरियड का, किस ग्रुप का और किस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके अलावा एक एग्जांपल और मैं लिखता हूँ, जिंक ZM, और एक एग्जांपल S और C सीरियम। सबका एटॉमिक नंबर मैं अभी बता दे रहा हूँ, बट लोगों को ये याद हो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो फास्फोरस का तो सबको पता होगा, क्या रहता है फास्फोरस का? 15। ये तो बेसिक से सबको याद हो। जिंक का कितना होगा? 30। जिंक का क्या रहेगा इसमें? 30। इस तरीके से याद रखना यहाँ पर। और सीरियम का 58। तो तीनों का कन्फिगरेशन लिखो, और जैसे कन्फिगरेशन लिख लेते हो तो अपने आप पीरियड ग्रुप ब्लॉक सब कुछ पता चल पाएगा। तो सबसे पहले फास्फोरस का बताओ इसमें, इसका पीरियड नंबर क्या आ रहा है, ब्लॉक किस ब्लॉक का है और किस ग्रुप का आ रहा है। पूरा बताओ इसमें, शॉर्ट में बता सकते हो कि पी आइकन दे करके 3 या 2 जो भी आ रहा है। ब्लॉक में लिखना है तो SPDF में कुछ लिख सकते हो, ग्रुप नंबर तो बताना है शॉर्ट में, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सेट बॉक्स में बता रहे हो। तो इसमें करना क्या था, पहले तो कन्फिगरेशन लिखना है तुम्हें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब ये कन्फिगरेशन इस फॉर्मेट में आना चाहिए सब लोगों को, सही है। पीरियड नंबर 3 पी ब्लॉक का आ रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग पीरियड नंबर सोचे यहाँ, तो पीरियड नंबर कैसे देखते हैं, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट मीन्स एन का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ, एन का वैल्यू क्या आ रहा है इसमें 3, दैट मीन्स जो पीरियड हो जाएगा वो क्या रहेगा, 3rd पीरियड का एलिमेंट। किस ब्लॉक का होगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, तो पी में जा रहा है, तो पी ऑर्बिटल में अगर जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स किस ब्लॉक का होगा, पी ब्लॉक। अब देखिए इसका ग्रुप नंबर इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, इसका जो ग्रुप नंबर होगा ये पी ब्लॉक का है, देख लेते हैं, सही है वैसे। अब पी ब्लॉक का जो रहेगा इसमें 10+, तो सबसे पहले यहाँ पे 10 ऐड करना होता है, 10+ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल कौन सा सेल आ रहा है इसमें, 3rd सेल। तो 3rd सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2+3, 2+3 ये क्या आ रहा है, 5, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा इसका ग्रुप नंबर 15। ये पीरियड 3rd पीरियड का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 15 एंड पी ब्लॉक। तैयार होता सब लोगों का, सही आ रहा है इसमें यहाँ पे। इसमें सोचना है जिंक का यहाँ पे क्या रहेगा, इसका भी सेम पीरियड नंबर, इस ब्लॉक का ग्रुप नंबर बताना है यहाँ पे भी। बताओ सब लोग ट्राई करो प्रोसेस, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी 3-4 एग्जांपल लिया था, ट्राई करो पहले सब लोग जिंक का, सब लोग बताओ क्या आ रहा है।
थोड़ा सा सोचना है उसमें आयोस डी ब्लॉक का तो है, बट उसमें ग्रुप नंबर पीरियड नंबर दोनों के पास सोचो क्या रहेगा। नितिन सही है तुम्हारा, पीरियड नंबर क्या आएगा इसका 4, डी ब्लॉक का है, ग्रुप नंबर निकालने क्या रहेगा। सही मानस सही बिल्कुल, पीरियड 4 पीरियड का डी ब्लॉक का एंड ग्रुप नंबर क्या रहेगा उसका 12। तो देखते हैं यहाँ पे कि जिंक का क्या रहेगा। सबसे पहले कन्फिगरेशन लिखने के लिए आना चाहिए, तो कन्फिगरेशन अगर लिखोगे तो स्टार्टिंग से लिख सकते हो या फिर आर्गन से स्टार्ट करके लिख सकते हो आर्गन। इसके बाद क्या रहेगा तुम्हारा 4H2 3D10 18+2 20+10 30। अब इसमें देखना है कि जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू क्या, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा है, n का वैल्यू क्या आ रहा है इसमें 4, ये 4 सेल का आ रहा है यहाँ पे। और n का वैल्यू 4 अगर आ रहा है इस केस में यहाँ पे, दैट मीन जो पीरियड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। इसमें देखना है मैक्सिमम n का वैल्यू क्या आ रहा है, मतलब n का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n का वैल्यू 4 है, दैट मीन पीरियड नंबर क्या हो जाता है इसका 4। किस ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जा रहा है दैट मीन्स ये डी ब्लॉक का। अब जब डी ब्लॉक का एलिमेंट पता चल गया इसका ब्लॉक, देन इसका लोग ग्रुप नंबर डिसाइड कर पाएंगे यहाँ पर। और इसका जो ग्रुप नंबर होगा यहाँ पे, इसमें जाकर के देखो वहां पे क्या था, इसका जो ग्रुप नंबर था N-1D, n में कितना इलेक्ट्रॉन था, n का वैल्यू क्या था 4, n में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स 4 सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। और n-1 बोलने का मीनिंग क्या है कि 3d, n-1d, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है प्रेजेंट 10, तो 10+2 ये क्या आता है इसमें 12, इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 12। एक बार रिवाइज भी करो, जब लोग पढ़े हुए थे कि फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है इसमें 4th सेल, तो 4th सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेड 2 और n-1d, n का वैल्यू 4, दैट मीन्स n-1 का मीनिंग क्या रहेगा 3d, इसमें 10+2 12। लास्ट वाले का कोई अगर बता पाओगे इसमें बताओ, इसमें सेरियम का पीरियड नंबर किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का होगा, यह तो सोच के बताना है यहाँ पर। चलो देखते हैं यहाँ पर, मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ इसका। कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में ये भी आता है XE, तो बता भी रहे हो नहीं, एस ब्लॉक का तो नहीं है इसमें प्रमुख, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। ये क्या होगा J-norm, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो किस में जाता है यहाँ पे है 6s2 एंड देन 4f2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो J-norm 54, J-norm के एटॉमिक नंबर सबको पता है 54, 6s2 और ये 4f2, यहाँ पे 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर f में जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा f ब्लॉक का, ये f ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन f में इंटर कर रहा है। अब देखना है कि इसका पीरियड नंबर क्या होगा, तो पीरियड नंबर के लिए क्या चेक करते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n का वैल्यू मैक्सिमम क्या है, ये 6 का इंडिकेट कर रहा है n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 6, दैट मीन्स ये किस पीरियड का होगा, इसका पीरियड नंबर जो होगा 6। किस पीरियड का होगा ये एलिमेंट, इसका ग्रुप नंबर क्या रहता है, कोई भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर क्या होगा 3। इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट है इसका ऑलवेज जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या रहेगा 3। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा क्या रहता है ग्रुप नंबर 3 फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट।
क्लियर है यहाँ पे, किस तरीके से सोचना था इसको। सर ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझा। अब कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ये नाउन का क्या रहता है यहाँ पे है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझे तो तुम्हें एटम स्ट्रक्चर में सोचना पड़ेगा। मैं वैसे बता दूं यहाँ पे, इसमें ऐसा कुछ तुम्हें बताएगा एटम स्ट्रक्चर में कि जेनॉन तक इलेक्ट्रॉन अगर फुलफिल आ रहा है इस केस में, आप उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है। तो नॉर्मली अगर देखोगे इस केस में यहाँ पे, यहाँ तक तो जेनॉन का तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये 54 है, 4 इलेक्ट्रॉन और इंटर करेगा इसमें। तो जेनॉन के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 6s2 देन फिर 4f2, इस टाइप से आ पाता है यहाँ पर। ये किस ऑर्डर में एनर्जी जो लेवल लाता है, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। 1s में पहले जाएगा, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, इस टाइप से यहाँ पर। देन क्या रहेगा तुम्हारा, ये चीजें तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। 5s, 4d, 5p, 6s, 4p, 4f, सॉरी 4f, 5d, 6p, 7s। ये तो तुम्हें क्लास में बताया गया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम में, एनर्जी पहले, जिसका एनर्जी लोअर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। यहाँ पे देखोगे कि जो आ रहा है तुम्हारा 4d, 5s, 5p, तो 5p के इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है तुम्हारा, 6s। तो 5p जेनॉन का जब लिखोगे उसमें लास्ट में 5p 6 आता है जेनॉन का, यहाँ तक जेनॉन में फुल आ गया, फुल फिल्ड। 5p के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है वो किस में जा रहा है, 6s में, तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4f में, तो 4f में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे। क्लियर है, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है यहाँ पे सर। हाँ बताओ सर, एफ शेल सब शेल के बाद कौन सा सब शेल है, जी क्या? F के बाद G आता, बट उसका कहीं यूज नहीं करना होता हमने को, वैसा ना तक कभी एलिमेंट डिस्कवरी नहीं हुआ जो कि G का ही, बट G होता है, S P D F G, F के बाद फिर G आएगा, बट उसका कहीं यूज नहीं होता अपने को। सर और कितने शेल्स तक जाते हैं? बस G तक ही याद रखना है, G के बाद H भी है बट उसकी कहीं जरूरत भी नहीं आता है। नहीं सर, शेल्स मतलब 6 के बाद 7, 8, 9 कब तक जाता है? वो तो सेल नंबर, तो सेल नंबर तो कुछ भी रह सकता है वहाँ पे, बट जहाँ तक एलिमेंट डिस्कवर हुआ है तो 7, 8 तक से काम चल जाएगा तुम्हारा, वैसे उसका कुछ लिमिट नहीं है, कितना ही रहेगा। बट अपने जो एलिमेंट है अभी 7, 8 तक में उसका सारा एलिमेंट आ जाता है, उसका नंबर ऑफ सेल 8 तक में सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे देखना था हम लोगों को, ये तो कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिखोगे उसके बाद इसका ब्लॉक पता चल जाएगा, पीरियड पता चल जाएगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 6 में जा रहा है, दैट मीन्स एन का वैल्यू क्या होगा इसमें। लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलने को मतलब यहाँ पे ये था कि जो नंबर ऑफ सेल्स है वो क्या है, 6 सेल है यहाँ पे, दैट मीन्स पीरियड नंबर 6 आ जाता है यहाँ पे। और ब्लॉक पता चल गया, ग्रुप नंबर अंडरस्टूड है कि ऑलवेज 3। आई थिंक कोई भी पीरियड टेबल में एलिमेंट है उसका अगर एटॉमिक नंबर पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पा रहे हो, दैट मीन्स उसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर निकाल सकते हो। क्लियर है सबको यहाँ तक ये है? पिछले क्लास में मैंने 3-4 एग्जांपल बताया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ, किसको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ आदित्य बताओ क्या डाउट है। कुछ डाउट है आदित्य? तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको अच्छे से आना चाहिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कम से कम अप टू 30 एटॉमिक नंबर भी एक एक एलिमेंट का पता हो, और अप टू 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सबको पता हो, और उसके आगे का भी वैसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया गया होगा और भी आगे तक, बट 30 तक तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। चलो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर इसमें। यहाँ पे मैं आता हूँ उस पे, वहाँ पे कि कौन कौन सा याद रखने वहाँ पे। अब देखो इस पैटर्न पे भी तो तुम्हें बताया गया होगा वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन जो बताया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
यहाँ पे पूरा ना लिख करके 1:2 से स्टार्ट ना करके इसको शॉर्ट में यहाँ पे आर्गन लिखिए, दैट मींस 18 तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया। यहाँ पे जेनॉन लिखिए, दैट मींस 54 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है और उसके आगे का लिख रहे हैं। इसका शॉर्ट करने का प्रोसेस होता है यहाँ पे, तो जो भी इनर्ट गैस एलिमेंट है उसका यूज करके हम लोग कन्फिगरेशन लिख पाएंगे यहाँ पे। देखते हैं अब सबसे का कैपेसिटी कितना रहेगा, तो वो सारा कुछ अभी आएगा, हम क्लासिफिकेशन देखेंगे अभी, इसमें सारा कुछ आएगा अभी। तो ठीक है, सब लोग यहाँ तक नोट कर चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं लो इसमें। तो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये पढ़े भी होंगे टेंथ में, उसी से रिलेटेड है ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अब एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन उसका बेसिस क्या रहेगा यहाँ पे है, तो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सबसेल। टाइप ऑफ सबसेल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन, which received their last electron, तो जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन उस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहा है, किस ऑर्बिटल में जा रहा है वहां पे, उसके बेसिस पे हम लोग ये क्लासिफिकेशन देखते हैं यहाँ पे। इसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन रहेगा मेनली क्या रहेगा यहाँ पे, 4 टाइप का। तो फर्स्ट है इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट। सर हाँ बताओ सर, प्रीवियस पेज दिखाओ। यस सर, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। फिर एस ब्लॉक एलिमेंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट। अब कैसे पता चले कोई भी एलिमेंट एस ब्लॉक का है या नहीं है, इसमें मैंने पहले ही बताया था, फिर दोबारा यहाँ पे नोट करना है। एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस सबसेल लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस सबसेल ऑफ आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, एनएफ सेल। तो लास्ट सेल के एस सबसेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस सबसेल में, ठीक है, ये तो पॉइंट है यहाँ पे लिखने के लिए। बट सिंपली क्या याद रखना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल में जा रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स वो किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट। सिंपल सा है, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस सबसेल ऑफ द आउटर मोस्ट सेल के एस सबसेल में अगर जा रहा है, दैट मीन्स एस ब्लॉक एलिमेंट। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, इसका जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये क्या आता है यहाँ पे, NS122। इस टाइप से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा इसका, NS122। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप नंबर 1 and 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, ग्रुप नंबर 1 and 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एस ब्लॉक।
एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप नंबर का एलिमेंट्स रहेगा, ग्रुप नंबर वन एंड टू का जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा एस ब्लॉक में। अब इसका एग्जांपल सारे सर, हाँ बताओ सर, सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट रहेंगे, ग्रुप नंबर वन एंड टू एलिमेंट्स, जो ग्रुप नंबर वन एंड टू का एलिमेंट्स होगा वो सब क्या होगा एस ब्लॉक। देखते हैं उसमें कुछ जो एक्सेप्शनल पार्ट है वो अलग से देखेंगे, पर जो ग्रुप नंबर वन एंड टू का आ रहा है वो क्या रहेगा एस ब्लॉक का, स्पेशली हाइड्रोजन का, सिर्फ एक एक्सेप्शन आता है इसमें हाइड्रोजन, उसको अलग से देखेंगे। बाकी जो भी ग्रुप नंबर वन एंड टू का एलिमेंट्स आ रहा है वो सब क्या होगा एस ब्लॉक। इसको जल्दी से कॉपी करो, इसका हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा एस ब्लॉक का एलिमेंट है यहाँ पे। और उसका ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ रहा है वो भी हम लोग चेक करते हैं। एनएस वन टू टू का क्या मीनिंग है यहाँ पर, तो ठीक है आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें। तो ठीक है इस पेज पे मैं अभी आता हूँ। यहाँ पे हम लोग ग्रुप वन के अगर एग्जाम्पल की बात करें और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जा रहा है उसको भी देखते हैं हम लोग। आता हूँ उस पेज पर, जो लोग नहीं नोट किए हो, इसमें क्या रहेगा लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, एक और भी रहता है इसमें फ्रांसियम, बट फ्रांसियम जो रहता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाता है तो जनरली हम लोग उसको एक साथ यहाँ पे नहीं लिखते हैं, सीजियम तक ही लिखते हैं। एफ आर भी रहता है फ्रांसियम बट वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाता है इसलिए हम उसको जनरली यहाँ पे नहीं लिखते हैं। यहाँ पे सोडियम की बात करें, यहाँ ये लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55। अब सबका अगर कन्फिग्रेशन लिखते हो यहाँ पे, तो कन्फिग्रेशन इसका लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हीलियम 2s1। सोडियम का क्या रहेगा कन्फिग्रेशन, उससे जस्ट पहले का जो सही है नियॉन 3s1। सिमिलरली पोटासियम का आर्गन 4s1, रुबिडियम का क्रिप्टन 5s1 और सीजियम का जेनॉन, जेनॉन का क्या रहेगा 54 6s1। यहाँ पे देख पा रहे हो कि लिथियम में जो आ रहा है इसका ग्रुप नंबर डेट में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, सेम पैटर्न पे आ रहा है, और वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आया डेट में ये ग्रुप नंबर वन का एलिमेंट्स होता है सब यहाँ पे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है एस में, एस सब सेल में, दैट मीन्स एस ब्लॉक का एलिमेंट। ये जो आ रहा है ग्रुप नंबर वन, इसका ग्रुप नंबर क्या है इसमें यहाँ पे वन, और ग्रुप नंबर वन का जो एलिमेंट्स है लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, इसको और किस नाम से जानते हैं इस एलिमेंट्स को, सही है बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं अल्कली मेटल, ये क्या जाता है इसमें यहाँ पे अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट को क्या बोलते हैं अल्कली मेटल। क्लियर है यहाँ पे है, सही बिल्कुल, सब लोगों का आंसर अल्कली मेटल्स हो गए। तो ग्रुप नंबर वन का आ रहा है इसमें ग्रुप वाइज तुम्हें याद भी हो लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम। ग्रुप नंबर टू की बात करें इसी तरीके से हम लोग, इसमें क्या रहेगा तुम्हारा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉनशियम बेरियम और इसके नीचे फिर रेडियम रहता है यहाँ पे, बट उसको भी यहाँ पे जरूरत नहीं इसमें यहाँ पे अभी, तो सिंपली यहाँ पे देखना है क्योंकि वो भी रेडियो के बाद आता है। इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे, आई थिंक जितना कन्फिग्रेशन तुम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में उससे ज्यादा तुम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। तो बेरिलियम का क्या जाता है इसमें एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38, बेरियम का 56। इसका जब कन्फिग्रेशन लिखोगे हीलियम 2s2, नियॉन 3s2, कैल्शियम का आर्गन 4s2,
स्ट्रॉन्शियम का क्रिप्टन 5s2 और बेरियम का ज़ेनॉन 6s2। यहाँ पे देख रहे हो कि जो आउटर मोस्ट सबसे ला रहा है इसमें वो क्या आ रहा है, इसमें एस, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, दैट मीन्स ये भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, इसमें जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दो दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सबका जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या रहेगा, 2। ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। इसको और क्या बोलते हैं ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल सही है, बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल्स का बेसिकली मीनिंग होता है कि अल्कली नेचर का, दैट मींस इसको जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है बेसिक नेचर का बनता है, अल्कली नेचर, अल्कलाइन नेचर, दैट मींस बेसिक नेचर। और इसको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सही है, बिल्कुल। यहाँ पे वो क्या रहेगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ क्रस्ट में ये मिल पाता है यहाँ पे, दैट मीन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये याद रखना है सिंपली, यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल। और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे थे वो क्या रहा था इसमें, NS122 और NS122 आ रहा था उस केस में वहां पे। इसका मीनिंग क्या था कि N, N का मतलब क्या था, वो 2, 3, 4 ये वेरी कर सकता है N का वैल्यू। बट S में या तो एक 122 का मीनिंग क्या था, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, या फिर इसमें क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आता है फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर? इसको पहले प्रॉपर नोट डाउन कर लो, यहाँ पे एक कन्फिगरेशन प्रॉपर पता होना चाहिए। और एस ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का, वो तो ग्रुप वाइज याद हो, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, और ग्रुप 2 में क्या रहता है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम। इसको कॉपी करो, आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें। अब देखना जितना भी एस ब्लॉक में एलिमेंट्स है वो किस नेचर का होता है, यहाँ पे है मेटल, ऑल आर मेटल। यहाँ पे नीचे नोट कर लेते हैं इस केस में कि ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। सिंपली स्टेप से एस ब्लॉक इनक्लोज, ये क्या होगा यहाँ पे मेटल्स, जो भी एलिमेंट्स आ रहा है वो क्या होगा यहाँ पे मेटल्स। हाँ मानस, क्या बता रहे हो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर का क्या मीनिंग है? अपने हमारे मॉडल में लिखा है, ठीक है, वो मॉडल में लिखा हुआ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर का मीनिंग ये है कि जो भी मेटल्स का प्रॉपर्टीज होता है, कोई भी मेटल आ रहा है तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा वो, कोई भी मेटल्स ये पड़े हो गए कैटायंस, वो क्या हो कैटायंस का फॉर्मेशन का, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे के पास जाएगा, दैट मींस वो क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऐसा कुछ दिखा गया होगा। तो जो भी है उसमें उसका नेचर मीनिंग ये है कि कोई भी मेटल्स है तो उसका टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का। ये भी पॉइंट याद रखना, वो तो पढ़े हो गए मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में 10th में। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अब देखो यहाँ पे हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स के डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक अलग चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स फिर एक अलग चैप्टर हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ बेसिक देखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट्स है, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहता है वहाँ पे है, और कैसे डिसाइड करते हैं यहाँ पे, बस एक कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे देखना है। और एक मिनट में अगर एस ब्लॉक में अगर दिखाऊँ यहाँ पे ओपन करके, यहाँ पे एक मिनट वेट करो।